हेलो नमस्कार, मैं महर्षि में आपका स्वागत है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है, अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती की जानी है। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जल्दी अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जहाँ जहाँ पर पद खाली रहेंगे वहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए, जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कब से प्रारंभ की जाएगी, किस आधार पर की जाएगी, इसकी डेट भी कंफर्म की गई है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे नहीं। अपडेट पाने के लिए जल्दी अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई। भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जल्द जल्द नई भर्ती की जाए और जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए उनकी पुनः नियुक्ति की जाए स्कूलों में। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, भर्ती इसके लिए की जाएगी। वही सीएम राइस स्कूलों में भी खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हम आपको बता दें, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि शैक्षिक सत्र 2 के लिए ये भर्तियां की जाएंगी और साथ ही सीएम राइस स्कूलों में भी खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश में अच्छी खबर है और एमपी में अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगी। लगातार हम देखते थे शिक्षक भर्ती की मांग करते दिखते थे और कई बार वो सड़कों पर भी उतरे और उनके लिए अच्छी खबर है कि जल्दी शैक्षणिक सत्र के लिए भर्तियां की जाएंगी और सीएम राइस स्कूलों में भी खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर, प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, भर्तियां की जाएंगी। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीएम राइस स्कूलों में भी खाली पदों पर भर्ती होनी है, तो एक बड़ा फैसला और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर जिसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं। लगातार शिक्षक ये मांग करते हुए नजर आते थे सरकार से कि उनकी भर्तियों को लेकर, तो अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर एक आदेश जारी किया गया, कब से इसकी प्रक्रिया